press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां गंगापुर सिटी में एक लड़की का कई दिन पुराना शव एक घर से मिला है। हैरत की बात यह है कि तांत्रिक उसे जिंदा करने की कोशिश में लगे थे। मृतक युवती की बहन को घर में उसके माता पिता ने कैद कर रखा था। बदबू आई तो उसकी बहन किसी तरह वहां से निकलकर अपने भाई के पास पहुंची और इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने युवती के माता पिता सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गंगापुर सिटी के इंदिरा मार्केट में ताराचंद और उसकी पत्नी उर्मिला का घर है। यहाँ रहने वाली 35 वर्षीय अनीता 14 जनवरी से गायब थी। उसकी छोटी बहन ने कुछ गलत होने की आशंका जताते हुए भाई को इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस को इस बारे में बताया गया। मंगलवार देर रात पुलिस दोनों को लेकर उनके घर गई। घर का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। कमरे में अनीता मृत पड़ी थी और उसकी लाश से तेज बदबू आ रही थी। उसके माता पिता ने पुलिस को भी शव को छूने से मना कर दिया और कहते रहे कि यह अभी जिंदा हो जाएगी। इस पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। ताराचंद के बेटे श्याम सिंह राजपूत ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बहन अनीता का करीब 12 साल से गजेंद्र सहित कुछ लोगों द्वारा इलाज किया जाता था। उसका इलाज करने वालों ने दावा किया था कि अनीता पर भूत प्रेत का साया है। इलाज के बाद उन्होंने बताया कि अनीता ठीक हो गई है और उसके शरीर में अब देवी का प्रवेश हो गया है। इलाज करने वाले तांत्रिकों ने ही घर में मंदिर बनवा दिया और इस मंदिर में एक गद्दी पर अनीता को बैठाकर लोगों का इलाज करने लग गए। गत 14 जनवरी को अनीता अचानक बीमार हो गई। इसका इलाज इन तांत्रिकों ने किया और डॉक्टरों को नहीं दिखाने दिया। इन तांत्रिकों ने ताराचंद और उसकी पत्नी को डरा दिया कि अगर डॉक्टरों के पास ले गए तो अनीता मर जाएगी। इसके बाद अनीता की मौत हो गई, लेकिन तंत्र मंत्र से जीवित करने का दावा करते हुए इन अंधविश्वासी लोगों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। मृतका की छोटी बहन को यह लोग बंद कमरे में इलाज करने की बात कहकर भ्रमित करते रहे, लेकिन लाश से बदबू आने के बाद बहन को शक हुआ और मामले का खुलासा हो गया।